है। प्रेम अपने कम्युनिकेशन की ही थ्योरी देता है। टॉल्स्टॉय। और इसने बताया है कि इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं हम आर्ट को। तीन नजरिए से देख सकते हैं किसी भी आर्ट वर्क को, कि उसके पीछे का पर्पस क्या है, वो ब्यूटीफुल कितना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से मीनिंग यहाँ पे उसके फॉर्मलिस्टिक एस्पेक्ट से ही है, जैसे कि रोजर फ्राई और क्लाइवेल जिसके ऊपर फोकस करते थे कि फॉर्म सुंदर हो, मतलब विजुअली प्लेजिंग लगे, वो चीज़ हमें देखने में सुंदर लगे, ऐसे ब्यूटीफुल हो, रियलिस्टिक हो। तो पर्पस, किसी भी आर्ट का पर्पस उस आर्ट के टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिस टाइम पीरियड में वो बनाया जा रहा है उस समय के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अगर उस वो समय बहुत ज्यादा हथियारों का युद्ध का है, तो उसके आर्ट के अंदर भी वही चीज दिखनी चाहिए, युद्ध दिखने चाहिए कि युद्ध बुरी चीज है। ठीक है, युद्ध से और इसका ह्यूमैनिटी का नुकसान होता है, ये सब थॉट्स दिखने चाहिए। ऐसा ना हो कि आसपास युद्ध हो रहा है और आर्टिस्ट अपना कमल के फूल बनाने में लगा हुआ है, स्वर्ग दिखा रहा है अपने वर्क्स में, ऐसा ना हो। उसको क्या करना है, अपने आसपास के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को ध्यान में रख के ही बनाना है। तो आर्ट का पर्पस क्या हो, उसका ध्येय क्या हो, अपना आसपास के सराउंडिंग्स जैसी हैं वैसे ही दिखाना। ठीक है, रियलिस्टिक वे में दिखाना, जो रियल है वो दिखाना, ना कि एक जैसे एक परीलोक होता है ना, परीलोक उस वहीं पे अपना उसी के अंदर ही घूम रहना। तो आइडल ना होके हमें रियलिस्टिक दिखाना है, चाहे हमारे आसपास का जो रियल वातावरण है वो अच्छा ना हो, तो हमें सच दिखाना है, चाहे वो सच कड़वा ही हो। ये तीन चीजें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं किसी भी आर्ट को इवेलुएट करने के लिए। ये था टॉल्स्टॉय के बारे में। इसने आर्ट को कम्युनिकेशन माना है, आर्ट का सोसाइटी में क्या रोल हो सकता है इसके ऊपर ही फोकस था इसका। दो चीजों पे मेन फोकस था इसका, कि व्यूअर डीपली अफेक्ट होना चाहिए वर्क देख के, और जनमानस तक, हर एक वर्ग तक आर्टिस्ट का मैसेज पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से आर्ट क्या है, एक कम्युनिकेशन का काम करती है। तीन चार, और आर्ट एक इन्फेक्शन की तरह है, जितना इन्फेक्शन स्ट्रांग होएगा उतने ही आर्ट बेटर होएगी। तीन चार एलिमेंट्स होने चाहिए, कलाकार का खुद का आत्म तत्व होना चाहिए कला के अंदर, उसको अपने जो भी आइडिया प्रेजेंट कर रहा है उसको अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ दिखाए, और शिद्दत होनी चाहिए उसके कला के पीछे। कला का ध्येय सुनिश्चित होना चाहिए, कला सुंदर होनी चाहिए, और कलाकार के आसपास का वातावरण कैसा है, एटमोसफेयर, उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, रियलिस्टिक, उसके अकॉर्डिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है।